वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, डीसी मोटर के बेसिक प्रिंसिपल, डीसी मोटर की करेक्टरिस्टिक और डीसी जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी जनरेटर करेक्टरिस्टिक, और ये आपके डीडी जेई एग्ज़ाम और एसएससी जेई एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अपन TWQ प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी विथ क्वेश्चंस, जिसके अंदर थ्योरी भी आपको थोड़ी समझाई जाएगी, उसके साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना कौन सा है, डीसी जनरेटर करेक्टरिस्टिक, यानी डीसी जनरेटर की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो जो फर्स्ट अपन इसमें करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो वो जो आपकी होती है वो होती है ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक, जिसे अपन नो लोड करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे वो होगी ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक, जिसे अपन बोलते हैं नो लोड करेक्टरिस्टिक, जिसे अपन मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। और ये जो करेक्टरिस्टिक होती है वो किस किस के बीच में होती है, वो होती है आपके नो लोड जनरेटेड ईएमएफ, नो लोड जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट के मध्य। सबसे पहले ध्यान रखना है इस कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम क्या है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, इसे बोलते हैं ओसीसी कर्व। ओसीसी कर्व किसके बीच में होता है, नो लोड जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट के मध्य जो कर्व बनता है, इसे अपन बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ये भी डिफरेंट जनरेटर के लिए डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंट जनरेटर की बात करते हैं, और उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, ओसीसी कर्व। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं शंट मोटर के लिए, जनरेटर के लिए। तो शंट जनरेटर की अपन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, जो अपनी कौन सी होती है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, बिना भार के। तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसके बीच में होती है, फील्ड करंट और ईजी नोड, नो लोड ईएमएफ, बिना भार के विद्युत वाहक बल। और ये जो करेक्टरिस्टिक होती है वो किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। इसको जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट ना होकर कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है, तो इस वाले जो पार्ट को अपन कहते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। ये जो पार्ट है वो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से क्या बन रहा है, ईएमएफ। तो ईएमएफ विद रेजिडुअल फ्लक्स, तो स्टार्टिंग में कुछ ईएमएफ रहता है, और वो जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, लगभग ये जीरो पॉइंट मान लेते हैं, और ये आपका कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट। जीरो से ए के बीच में जो ईएमएफ होता है, इसे बोलते हैं ईएमएफ विद रेजिडुअल फ्लक्स, यानी कि जो रेजिडुअल फ्लक्स जो बचा हुआ है उसकी वजह से जो बना हुआ ईएमएफ है, इसे बोलते हैं रेजिडुअल ईएमएफ। रेजिडुअल ईएमएफ भी बोलते हैं और रेजिडुअल फ्लक्स भी इसे अपन बोल सकते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक किसकी हो गई, शंट जनरेटर के लिए। और सीरीज जनरेटर में भी क्या होगी, दूसरा कौन सा जनरेटर आपका, सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर में भी करेक्टरिस्टिक सेम रहती है आपकी। ये दोनों ही जनरेटर कैसे हैं, ये दोनों जनरेटर कैसे हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये इजी नोट है, और ये क्या है, फील्ड करंट। ये किस जनरेटर के लिए हो गया आपका, सीरीज जनरेटर के लिए। इसी तरह कंपाउंड जनरेटर के लिए आपकी सेम रहेगी, और ये भी किस टाइप का जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। तो इसकी भी ओसीसी कर्व कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों जनरेटर है, उनका तीनों का जो कर्व है, शंट आप ले लो सीरीज ले लो, और या फिर कंपाउंड जनरेटर, तीनों के जो ओसीसी कर्व रहते हैं वो लगभग क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इजी नॉट। और तीनों कर्व किसके बीच में बनते हैं, इजी नॉट वर्सेस आईएफ। तो इजी नॉट आपका कौन सा है, नो लोड जनरेटेड ईएमएफ, बिना भार के उत्पन्न विद्युत वाहक बल। और आईएफ आपकी क्या है, फील्ड करंट, वो किसका काम करती है, फील्ड करंट फ्लक्स का काम करती है। तो दूसरी ये जो करेक्टरिस्टिक होगी, इसे बोलते हैं ओसीसी। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है इंटरनल करेक्टरिस्टिक। इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होती है वो जो बनती है
ईजी वर्सेस आईए, आपको ईजी याद रखना है, ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ। और आईए आपका क्या है, आर्मेचर करंट। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ईजी वर्सेस आईए की, जो ईजी जो होता है ऑन लोड भार के साथ जो ईएमएफ जनरेट बन रहा है, जब आप जनरेटर पर भार लगाते हो उस समय जो आपका ईएमएफ बनता है जनरेटर पर, उस ईएमएफ को ले लो और साथ में क्या ले लो, आर्मेचर धारा को ले लो। इसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी उस कैरेक्टरिस्टिक को अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टरिस्टिक का एक भाग है। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक को अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक आपकी दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी इंटरनल और दूसरी आपकी कौन सी होती है, एक्सटर्नल। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, और जो दूसरा भाग है वो कौन सा है, एक्सटर्नल। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के मध्य बनाई जाती है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रहना है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किन किन पैरामीटर के बीच में बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है, ईजी और आईए के मध्य इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को बनाया जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक होती कैसे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो वो आपको पूछा, इसमें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कैरेक्टरिस्टिक किन किन पैरामीटर के बीच में बनाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसके बीच में बनती है, वी वर्सेस आईएल। इसे अपन बोलते हैं लोड करंट, और ये आपकी होती है लोड वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज, लोड वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज। कई बार लोड करंट की जगह, लोड करंट कई बार क्या होता है, जैसे सीरीज आपका सीरीज जनरेटर, वहाँ लोड करंट आर्मेचर करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लोड करंट और आर्मेचर करंट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगी, वैसे जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगी वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी। तो लोड करंट जो होती है वो आर्मेचर करंट के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये जो आईएल होती है वो किसके समानुपाती होती है, आर्मेचर करंट के। यानी आर्मेचर करंट की और लोड करंट की जगह यहाँ पर कई बार आर्मेचर करंट दे देगा, तब भी वो आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, एक्सटर्नल। इसमें कौन सा वोल्टेज रहता है, टर्मिनल वोल्टेज जो रहता है। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टरिस्टिक का ही भाग है, वो कौन सा है, ये किसके बीच में बनती है, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में बनती है और आपके लोड करंट के बीच में बनाई जाती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ फिक्स रखी जाती है, फील्ड करंट को कॉन्स्टेंट रखा जाता है। यानी जो IF होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। साथ में जो स्पीड होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट। स्पीड में कोई भी अपन चेंज नहीं करेंगे, यानी प्राइम मूवर से जो जनरेटर को स्पीड दे रहे हैं उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और जो फील्ड करंट है उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, लोड करंट, यदि लोड को बढ़ाते हैं, लोड बढ़ने से फिर देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो जो प्रभाव पड़ता है वो उसको अपन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, एक्सटर्नल। ये कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें दो अपन पढ़, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो आपका एक शंट जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा आपका कौन सा है, सीरीज जनरेटर। इन दोनों जनरेटर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीरीज और शंट जनरेटर से। शंट जनरेटर की जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है, ये किस किस के बीच में बनाई जाती है, वी वर्सेस आईएल के बीच में लोड करंट या फिर आर्मेचर करंट भी दे सकता है। इस कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे भार बढ़ता है तो वोल्टेज में कुछ कमी आ जाती है। जैसे जैसे भार बढ़ता है तो वोल्टेज में क्या आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है। तो ये आपका होता है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, जिसे अपन ईजी नोट भी कह सकते हैं।
इसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है सीरीज जनरेटर की, सीरीज जनरेटर की करेक्टरिस्टिक वी वर्सेस लोड करंट, सीरीज जनरेटर की करेक्टरिस्टिक अलग होगी और आपकी इस वाली, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं इसकी वोल्टेज क्या होती है। इसमें जो ड्रॉप होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, आई ए आर ए ड्रॉप होते हैं और एक होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। दो तरह के, दो वजह से क्या होता है इसमें कमी आती है, एक तो आई ए आर ए ड्रॉप की वजह से वोल्टेज का मान कम हो जाता है, दूसरा जो मान कम होता है वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इसका मान थोड़ा कम हो जाता है। इसके अंदर दूसरी तीसरी चीज़ इसमें याद रखनी है, लगभग जो वोल्टेज रहता है वो कैसा रहता है, वोल्टेज क्या रहता है लगभग, ये जो स्लैटली ड्रॉप वोल्ट, ये जो करेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, स्लैटली ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक है। वोल्टेज जो रहता है वो लगभग क्या मानते हैं अपन, कॉन्स्टेंट रहता है, लगभग कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज इसमें रहता है। तो इसको अपन यूज़ शंट जनरेटर का यूज़ अपन करते हैं बैटरी चार्जिंग में, किस में यूज़ करते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए, जहाँ अपन को वोल्टेज कैसा चाहिए, लगभग कांस्टेंट चाहिए, तो वहाँ पर अपना कौन सा जनरेटर यूज़ होता है, शंट जनरेटर। और सीरीज जनरेटर का जो उपयोग है वो अपन करते हैं बूस्ट चार्जिंग के लिए, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अपन लोड बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोड के साथ बढ़ने से क्या होता है, फ्लक्स का मान भी इसमें बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि लोड का मान बढ़ाने से फ्लक्स का मान क्या होता है परिवर्तित, फ्लक्स का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है शंट जनरेटर के अंदर, जबकि इस चालू जनरेटर के अंदर क्या होता है, फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आपका इनिशियली क्या होता है कि जो आपका लोड नहीं होगा तो बिना लोड के कोई वोल्टेज भी नहीं होगी, तो इसके में जो क्या होता है, वोल्टेज आपका बूस्ट होता है, वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, लोड के साथ वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या होता है, बूस्ट चार्जिंग में इसका क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं, किस जनरेटर को, सीरीज जनरेटर को। तो दोनों को याद रखना है, बैटरी चार्जिंग का यदि आ जाए तो कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, शंट जनरेटर, और सीरीज जनरेटर का उपयोग किस में करते हैं, बूस्ट चार्जिंग में। इसमें लोड के साथ क्या होता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लोड के साथ फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के साथ ई बढ़ेगा, ई के साथ आपका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो लोड के साथ क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ती है और फील्ड करंट भी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका जनरेटेड ईएमएफ बढ़ता है और जनरेटेड ईएमएफ बढ़ने से आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बूस्ट चार्जिंग एप्लीकेशन में अपन किस जनरेटर का उपयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। फिर देखा जाए कंपाउंड जनरेटर के लिए, कंपाउंड जनरेटर की करेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो ये तो आपका तो हो गया कौन सा जनरेटर, शंट जनरेटर, किस किस के बीच में, वी वर्सेस आई एल। एक होता है, ये होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड। एक होता है आपका ओवर कंपाउंड, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड। एक होता है फ्लैट कंपाउंड, फ्लैट कम्युलेटिव कंपाउंड। और एक आपका होता है अंडर कंपाउंड, अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड को तीन पार्ट में अपन डिवाइड कर देते हैं, ओवर, फ्लैट और अंडर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में क्या होता है, लोड के साथ वोल्टेज बढ़ जाता है, जबकि आपका अपन बात करते हैं फ्लैट में क्या होता है, जो फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज, दोनों वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। अंडर कंपाउंड में भी क्या होता है, वोल्टेज के मान में कमी आती है। शंट जनरेटर में भी क्या होती है, वोल्टेज के मान में कमी आती है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में भी क्या होता है, वोल्टेज के मान में ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि फ्लक्स का मान बहुत कम हो जाता है इसके अंदर। जैसे लोड बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, φSH माइनस φSC। तो E का मान कम होगा, और E का मान कम होगा तो V का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जनरेटेड वोल्टेज का मान कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपके करेक्टरिस्टिक वाले पार्ट हो गए, किसके लिए, जनरेटर के लिए।
और इसमें आपके क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इफ़ ए डीसी जनरेटर फेल, यदि डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप द प्रोबेबल कॉज कुड नॉट बी, यदि डीसी जनरेटर क्या कर रहा है, फेल टू बिल्ड अप, यानी कि कोई वोल्टेज बना नहीं रहा है, डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा है, तो नहीं बना रहा है इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो एक तो आपका कारण हो सकता है उसके पास कोई रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है, यानी रेजिडुअल फ्लक्स क्या है, एब्सेंट है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उसके जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से क्या ज़्यादा हो, उस समय भी नहीं बनाता है। तो इसके रीज़न समझ लेते हैं। एक तो फर्स्ट रीज़न है रेजिडुअल फ्लक्स क्या है, एब्सेंट है। दूसरा जो रीज़न है, जो आपके फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। थर्ड, जो स्पीड है जनरेटर की वो क्रिटिकल स्पीड से क्या है, कम है। स्पीड का क्रिटिकल स्पीड से क्या होना, कम होना। स्पीड कम होने से भी ईएमएफ नहीं बनेगा। यदि फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा तब भी आपका ईएमएफ नहीं बनेगा। रेजिडुअल फ्लक्स एब्सेंट होगा तो भी आपका फ्लक्स नहीं बनेगा। आपके फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए। एक आपको चेक करना है कि जो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन है वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। तो एक कारण है कि फील्ड वाइंडिंग के जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। ये इस कारण की वजह से क्या हो सकता है, आपका ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये दे रखा है फेल टू बिल्ड अप, यानी कि जनरेटर क्या कर रहा है, आपका ईएमएफ नहीं बना रहा है। तो इसके पीछे क्या हो सकता है, नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द जनरेटर, फील्ड रेजिस्टेंस लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर ये होता तो बना पाएगा, तो ये रीज़न नहीं हो सकता। इम्परफेक्ट ब्रश कॉन्टैक्ट, ये कोई रीज़न होता ही नहीं है इसके अंदर। तो रीज़न आपका क्या निकल के आ रहा है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैसा है, एब्सेंट है, कोई भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है। फॉल्टी शंट कनेक्शन टेंडिंग टू रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, शंट कनेक्शन कैसे हैं, फॉल्टी है, जिससे कारण क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को। तो ये भी रीज़न नहीं है, फॉल्टी शंट कनेक्शन। मेन जो रीज़न है वो कौन सा है, नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी कि ये चार रीज़न होंगे, इस चारों रीज़न की वजह से क्या होता है, आपका जो जनरेटर है वो आपका ईएमएफ डेवलप नहीं कर पाएगा। एक रीज़न और भी होता है कि जो लोड का रेजिस्टेंस है, लोड का रेजिस्टेंस आपका कम नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल लोड रेजिस्टेंस है। यानी लोड का रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण डीसी शंट जनरेटर फेल टू एक्साइट, यानी कि आपका ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। यानी आप क्या कर दोगे, लोड के रेजिस्टेंस को भी यदि कम कर देते हो तब भी ईएमएफ नहीं बनता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में बनाई जाती है। जैसे मैंने बताया था, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है ईजी वर्सेस आईए। ये होता है ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ, ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ, और ये आपकी क्या होती है, आर्मेचर करंट। इसके बीच में क्या बनती है आपकी, इंटरनल। तो देखते हैं द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड द फील्ड करंट, गलत है। द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट, ये भी गलत है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं होती है। रेशियो बिटवीन ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ, हाँ ये सही है, ईजी और आर्मेचर करंट आईए, तो ये आपका आंसर सही है। टर्मिनल वोल्टेज फील्ड करंट, ये आपका गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग डीसी जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, बिना भार के किस जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज कैसा होगा, जीरो होगा। तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है, बिना भार के टर्मिनल वोल्टेज कैसा होता है, जीरो होता है। तो जो सीरीज जनरेटर था उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी आपकी,
वी वर्सेस आईएल। तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे भार बढ़ रहा था वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, तो बिना भार के जो वोल्टेज है वो कैसा है, ज़ीरो है। तो कौन सा जनरेटर हो गया, ये सीरीज जनरेटर। विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर विल बी प्रीफर्ड इफ दे आर रिक्वायर्ड टू बी रन इन पैरेलल। पैरेलल में रन करने के लिए कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो पैरेलल में जब रन करना हो तो अपन कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर को अपन क्या करते हैं, क्योंकि शंट जनरेटर में जो फ्लक्स रहता है वो क्या रहता है, पैरेलल में कनेक्ट रहती है फील्ड वाइंडिंग, तो फ्लक्स क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो कौन से जनरेटर का यूज़ करते हैं अपन, शंट जनरेटर का अपन उपयोग में करते हैं। फॉर ए पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्रीज। आपको याद रखना है एक एंगल होता है थीटा ई, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री, और एक होता है थीटा एम, ये होता है मैकेनिकल डिग्री। एक इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है और एक होता है मैकेनिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल में क्या होता है आपका, कुछ फर्क होता है। एक ये आपका रोट, ये आपका जीरो डिग्री ले लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री मैकेनिकल, ये आपका कितना हो जाएगा 270 डिग्री मैकेनिकल, नहीं 180 मैकेनिकल। ये आपका हो जाएगा 180, ये आपका हो जाएगा 270, और ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल। ये होता है मैकेनिकली जो आपको एंगल नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हो, आपकी फोर पोल मशीन होती हो, यहाँ पर एक पोल रखा हुआ है, एक पोल यहाँ रखा हुआ है, एक पोल यहाँ रखा हुआ है, और एक पोल, तो ये एन पोल है, ये कितना है एस पोल है, एन पोल है और एस पोल है। तो क्या होगा कि एन पोल और एस पोल के बीच में, एन पोल और एस पोल के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। एन पोल और एस पोल के बीच में कितना एंगल डिफरेंस होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का होता है। लेकिन मैकेनिकली ये एंगल कितना है, मैकेनिकली यदि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैकेनिकली एंगल कितना है 90 डिग्री का है, और इलेक्ट्रिकली एंगल कितना है 180 डिग्री का है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो पोल की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब यहाँ से देखो, मेरा यहाँ से मैकेनिकल एंगल कितना है 90 डिग्री का है, पोल की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार है, चार बटा दो, तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल। तो रिलेशन क्या आ रहा है, थीटा इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होता है, पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। पी क्या है, पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। याद रखना है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल सकते हैं और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में भी बदल सकते हैं। मैकेनिकल एंगल पूछता है तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू टू अपॉन पी थीटा इलेक्ट्रिकल। ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, मैकेनिकल एंगल। एंगल को अपन आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो पार्ट डिस्कस हुआ है, ये हुआ है डीसी मोटर जनरेटर की करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट, और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, मैंने वो डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।